पीछे आ जाओ सब लोग। देखिए दोस्तों, जो हमने इसमें दलिया बनाया था, ये देखो आप, ये जो दलिये का साइज है अलग अलग जाली के हिसाब से, मोटा पतला अपनी पसंद के हिसाब से। तो आज हम आए हुए हैं चिब्बर एग्री इक्विपमेंट, जो कि पंजाब के नेक्स्ट स्टेशन भटिंडा से नेक्स्ट शहर कोटकपूरा में स्थित है। यहाँ पर जो है हमने चाप कटर के अंदर काफी सारी सीरीज लाई हुई है। मध्य प्रदेश जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पर्यट शहर आता है, जहां पर यदि हम बात करें चाप कटर के अंदर, तो हमारे यहाँ जो पर्यट शहर में है, यदि मध्य प्रदेश की बात करें, तो सबसे बड़ा डेयरी का जो है फार्म है, करीब करीब 15 से 20 किलोमीटर तक तो हमारे शहर में आपको डेयरियाँ ही डेयरियाँ देखने के लिए मिलती हैं। तो चाप कटर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग। तो मैंने कहा यार, मेरे दोस्तों के लिए एक ऐसी चीज़ लाई जाए, एक ऐसी वीडियो लाई जाए जिसमें उनको बेस्ट प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लगे। तो हम आ चुके हैं, चलिए सर से मिलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले तो सर आप अपना परिचय दें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल छब्बर, मैं और मेरे छोटे भाई सर पादुल जी, हम दोनों भाई पंजाब में बठिंडा से अगला स्टेशन है कोटकपूरा, वहाँ पे हमारी कंपनी है छिब्बर एग्री इक्विपमेंट्स के नाम पे। जैसे कि अभी आपको वीडियो में इन्होंने बताया है, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हमारे जो शेफ कटर यानी कि कुट्टी मशीन में है, उसमें मेरे पास एक दो नहीं बल्कि अनेकों मॉडल है, सभी मॉडल्स के बारे में आपको मैं विस्तार में बताने जा रहा हूँ। तो सर आप जो ये चाप कटर बनाते हैं, जैसे कि आपके इंडिया नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल में जो आपके चाप कटर हैं मशहूर हैं, तो इनकी आप ऐसी क्या खूबियां जो है इसके अंदर डालते हैं जो कि आपके चाप कटर सभी जगह मशहूर हैं और बहुत लोग यूज करते भी हैं, मैंने देखा है, तो आप थोड़ा सा इनकी विशेषताओं के बारे में बताएं। सर इसमें एक दो नहीं बल्कि अनेकों विशेषताएं हैं जी। अगर जो नॉर्मल आप ट्रेडिशनल वे में देखिए, जो कुट्टी मशीनें होती हैं वो बहुत ही भारी भरकम होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक जगह आपने लगा दिया, उसको वहां से दूसरी जगह लेके जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। उनमें कोई सेफ्टी फीचर नहीं होता है जी, जी। आपने कई बार देखा, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, भाई हैं, कईयों के साथ हादसे भी हुए हैं, किसी की उंगली किसी का हाथ बीच में आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने वो सेफ्टी फीचर का ख्याल तो रखा ही रखा जी, प्लस इनको इस हिसाब से डिजाइन किया है आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह इसको लेके जा सकते हैं जी। अच्छा सर, आपने जैसे ये चाप कटर बनाया हुआ है, तो इनके अंदर क्या क्या ऐसी ब्लेडें लगाई हुई हैं, साथ में मोटर के बारे भी में हमें थोड़ा सा बताएं। सर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारे मॉडल्स हैं जी, ये जो शेफ कटर की सीरीज है, इसमें आप किसी भी किस्म का गीला या सूखा चारा आप काट सकते हैं जी। अब जो नॉर्मल जो मार्केट में आते थे जी, जिनको टोका कहा जाता था, हाँ हाँ, उसमें एक ही साइज का कुतरा होता था जी। अब जो बीच में मोटे डंठल रह जाते थे, वो जो हमारे मवेशी हैं, पशु हैं, जानवर हैं, वो खाते नहीं थे, हाँ हाँ, जिससे काफी वेस्टेज हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये जितने मॉडल्स हैं जी, इन सभी में मैंने गियर की ऑप्शन दे दी है जी। इसमें जो आप कुट्टी का साइज है वो अपने हिसाब से बड़ा छोटा कह सकते हैं जी, यानी कि जो आपकी वेस्टेज है वो कम हो जाएगी, जिससे आपका मार्जिन। उसके बाद मैंने आपको कहा ये पोर्टेबल है, पोर्टेबल इसलिए है क्योंकि पहियों की ऑप्शन दे दी है जी, जी। आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से इसको लेके जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद सेफ्टी फीचर के लिए जी, ये जो इसका हॉपर डिजाइन किया गया है, इस हिसाब से डिजाइन किया है जी, आप जितना भी करेंगे आपका हाथ ब्लेड तक नहीं पहुंचेगा। बहुत बढ़िया, मतलब आपने जो गहराई है काफी ज्यादा रख दी है, जिससे हाथ जो है ब्लेड तक जाने का जो चांस था, खतरा था, एकदम खत्म हो चुका है। बिल्कुल जी, जो इसके ब्लेड चलते हैं वो इस एंगल पे यहाँ पे ब्लेड चलते हैं जी। इसमें जो मटेरियल यूज किया गया है वो कार्बाइड स्टील के ब्लेड यूज किए गए हैं। लॉन्ग लाइफ भी जो है अपन को इसके अंदर मिलेगी दोस्तों। सर इनको लॉन्ग लास्टिंग तो बनाया गया है, प्लस इसकी जो धार है दोनों साइड पे हमने कर दी है जी, जी, जिससे लाइफ जो है डबल हो गई। मतलब लाइफ डबल हो गई, अगर एक साइड से ब्लंट हो गया आप घुमा के दूसरी साइड पे लेके जा सकते हैं जी। उसके बाद जी, जब दोनों साइडें आपकी खत्म हो गई जी, आपको तीखा करवाने के लिए कहीं बजाय जाने की जरूरत नहीं है, हमने इसी मॉडल में साइड पे ग्राइंडर व्हील की ऑप्शन भी दे दी गई है। तीखा मतलब बोले तो सर जैसे धार लगवाना, जैसे धार लगवाने के, है ना, तो आप अपने इन ब्लेड पे या कृषि की दाती के लिए या घर पे चाकू छुरियों पे धार लगानी है तो आप इसी मशीन के सहारे वो चीज भी करें। इसमें हमने 3 HP की सिंगल फेस कॉपर वाइंडिंग की मोटर लगाई गई है, जो कि सिलिकॉन स्टैंपिंग के साथ में है। बहुत बढ़िया। अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करें जी, तो 600 से लेकर 650 kg प्रति घंटे की इसकी प्रोडक्शन आती है। बहुत बढ़िया, ये तो आपने बहुत अच्छा बताया, मतलब 600 kg तक जो इसकी प्रोडक्शन है, 600 से लेकर 650 kg प्रति घंटे, तो वो जो इनकम जनरेट करके देगी इससे जो है, मतलब इंसान लोगों की ग्रास काट के भी काफी अच्छा पैसा अर्जित कर सकता है।
अच्छा सर, अब ये इस मोटर में आपने कॉपर मोटर भी दी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की बात करें तो एक घंटे के अंदर कितनी यूनिट लेती है? जैसे कि इसमें हमने सिंगल फेज की मोटर लगाई गई है, तो अगर ये प्रति घंटे यूनिट की बात करें तो ये 2.5 यूनिट प्रति घंटे की कंज्यूम करेगा। मतलब हमारे यहाँ जो यूनिट आती है 7 से 8 रुपए है, तो 20 रुपए में जो है आप इससे 50 से 600 से 650 kg बिल्कुल है ना, उस ग्रॉस की यदि बात करें तो 5 रुपए से लेकर 10 रुपए kg तक हमारे यहाँ बिजती है, तो काफी अच्छा प्रॉफिट है जो आप इससे अर्न कर सकते हैं। अच्छा सर, नेक्स्ट मॉडल की तरफ अपन चलें। अब दोस्तों कई जगह ऐसी आती हैं, खासकर जब पहाड़ी एरिया में या कई जगह ऐसी आती हैं जहाँ पे मेरे किसान भाई कहते हैं कि वहाँ पे उनको बिजली की समस्या है, बिल्कुल बिल्कुल परेशानी है, बिजली आती नहीं है, वोल्टेज कम ज्यादा है जी। तो हमने यही मॉडल को पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च कर दिया है जी। इसमें हमने 7 HP का 212 cc का एयर कूल्ड इंजन लगा दिया है, 4-stroke डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन, डायरेक्ट 4-stroke इंजन है, सेम वही फीचर है, वही गियर सिस्टम है जी, वही प्रोडक्शन है जी। अच्छा, तो सारी चीजें दोस्तों जो आपको इसमें मिल रही हैं, वही चीज जो है सर ने इसमें लगा के दी है, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी वाली बात थी ना, ये जो है इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, लेकिन कई जगह पे अपन को इलेक्ट्रिसिटी की समस्या आती है, तो यहाँ पर जो है चीबर की एक्यूमेंट में उस चीज़ का भी जो है समस्या का निदान कर दिया है। अच्छा सर, हमारा नेक्स्ट ये जो है अभी अपग्रेडेड वर्जन लग रहा है काफ़ी ज़्यादा इनका, तो इसके बारे भी में हमें थोड़ी सी जानकारी दें सर। अब दोस्तों उसके बाद बात आ जाती है जिन मैंने किसान भाइयों को लार्ज स्केल पे काम करना, जिनके पास 30, 40 या 50 पशु रखे हुए हैं, हाँ। उन लोगों की रिक्वायरमेंट होती थी कि उनको प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए, तो हमने इसमें 3 HP की कॉपर वाइंडिंग मोटर लगाई गई है जी जी। गियर इसमें हैवी कर दिए हैं जी, प्लस ब्लेड इसके बहुत हैवी ड्यूटी के लगाए हैं। अच्छा सर, ब्लेडों को थोड़ा सा खोल के देखें जी। यहाँ पे आप देखिए आगे की साइड पे इसके 4 ब्लेड चलते हैं, साथ में पीछे रोलर दे दिया है जी, जो आपके चारे या सूखी घास को अपने आप अंदर खींचेगा। अच्छा, ये पे हमने ये हॉपर भी लगा दिया है जी जी, जिससे आप इसको जो कटा हुआ चारा है आपका कुट्टी है, हाँ। सीधा जानवर की खुदली में भी डाल सकते हैं या ट्रॉली में भी, आप इसके हिसाब से अपने हिसाब से इसकी जो डिस्टेंस है वो घटा बढ़ा सकते हैं। इसमें गियर सिस्टम की ऑप्शन जी जी, गियर सिस्टम अपना लगा हुआ है, जिससे जो है हम इससे कह सकते हैं कि ग्रास का जो साइज है वो छोटा बड़ा भी छोटा कर बड़ा हो जाए है ना, और बारीक महीन भी जिसको बोलते हैं वो कर सकते हैं। अच्छा सर, अपना ये नेक्स्ट मॉडल खड़ा हुआ है, ये इस मॉडल की क्या खूबी है? ये थोड़ा सा और ज्यादा डिफरेंट लग रहा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट है सर अपने। अब दोस्तों उसके बाद हमें मॉडल आ जाता था जो मेरे किसान भाइयों ने कुट्टी के साथ साथ जी साइलेज बनाना है या जानवरों के लिए अचार बनाना है। अच्छा अच्छा, तो ये जो मॉडल है ये साइलेज, इसको मेगा शेफ कटर कहा जाता है जी। ये आपका कुट्टी का काम तो करेगा ही करेगा, साथ में साइलेज भी बनाएगा। बहुत बढ़िया, अगर आपने मक्की का अचार डालना है, जड़ी का अचार डालना है, उसके लिए काम आएगा जी। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, नॉर्मल जो मॉडल होते हैं जी उसमें अकेले ब्लेड सेट चलते हैं जी, इसमें ब्लेड के साथ साथ हैमर का सेट भी चलता है। अच्छा, हैमर सेट भी जो है सर ने इसमें लगा के दिया हुआ है, जिससे आप जो ग्रास है, किसी भी तरीके की हमारी गन्ना है, जुनरी है, बरसेन है, उसको बहुत ही ज्यादा महीन भी कर सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये डबल पहले यहाँ से कटिंग होगी, उसके बाद आगे वो उसको बिल्कुल बारीक में बलीदा बना के निकालेगा। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं गन्ने रखे हुए हैं जी जी, मैं आपको अभी इसका लाइव डेमो गन्ने का भी कर। अच्छा सर, जैसे कि हमारे घर में माताएं बहनें होती हैं, खाना बना रही होती हैं, हमारे जो जेंट्स होते हैं वो घर से बाहर होते हैं, तो बच्चे ही होते हैं जो अपने घर का थोड़ा बहुत काम करते हैं, जैसे 10-12 साल या 15 से 18-20 साल के बच्चे, तो उसके लिए आपने इसमें यदि काम करना चाहें तो वो कैसे ग्रास काट सकते हैं? तो उसके लिए भी हमने एक सेफ्टी फीचर इसमें और ऐड कर दिया है जी, पोर्टेबल बना दिया है, पहियों की ऑप्शन दे दी गई जी है, जी गियर की ऑप्शन दे दी गई है जी, साइलेज के लिए डबल ब्लेड सेट और हैमर लगा दिया गया है जी जी जी, सेफ्टी फीचर इसमें हमने ये कन्वेयर बेल्ट लगा दी है। बहुत बढ़िया, ये तो आपने बहुत जबरदस्त चीज की, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें आप ताकि किसान। दोस्तों कन्वेयर बेल्ट ये होती है कि जो आपने हरा चारा या घास काटनी है इसको आपको पुश नहीं करना है जी, आपने यहाँ पे रखना है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली आगे की तरफ जाता रहेगा। बहुत बढ़िया, तो ये सेफ्टी के लिहाज से काफी बढ़िया फीचर्स है, इससे जो हाथ कटने का डर है या किसी भी प्रकार की क्षति होने की जो डर रहता था वो एकदम खत्म हो जाता है, 0% भी नहीं, बिल्कुल टोटल खत्म हो जाता है। इसमें मोटर कितने HP की रखी है सर? हमने जी 3 HP की सिंगल फेज की कॉपर वाइंडिंग की मोटर दी गई है जो कि सिलिकॉन स्टैम्पिंग के साथ है। अच्छा सर, आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, एक और मॉडल हमारा जो है रखा हुआ है, इसमें सर ये डिफरेंट टाइप का भी कुछ दिख रहा है इसको, ये जो मॉडल है जी। अब जिन मेरे डेयरी फार्मर वाले भाइयों ने अपने जानवरों के लिए कुट्टी तो कर ली जी जी, अब उनको रिक्वायरमेंट होती थी दलिया या दाना बनाने, हाँ 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 हाँ, तो इसमें हमने शेफ कटर कम पल्वलाइजर इकट्ठा कम्बाइन कर दिया है जी जी। शेफ कटर में वही कन्वेयर बेल्ट वाला
स्पेक्ट्रम दे दिया गया है जी जी, आप इससे हर किस्म की गीली और सूखी घास तो काट ही सकते हैं जी, साथ में अपने जानवरों के लिए दलिया या दाना भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, ये तो हो गई अपनी चाप कटर की सारी खूबियों की बात। इसमें भी सर 3 HP की कॉपर बाइंडिंग मशीन रखी हुई है ना। तो सर ये तो हो गई अपनी सारी मशीन और सारे चाप कटरों की बात। अपन ने इसका डेमो भी दिखाया लोगों को, डेमो भी काफी बढ़िया है, बहुत शानदार परफॉर्मेंस करती है। इनकी खूबियों के बारे में जाना। अब हमारे साथ जैसे मैम है तो थोड़ा सा मैम से भी जानेंगे। नमस्कार मैम। हरे कृष्णा मैम, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सोनिका छिब्बर है, मैं मिस्टर राहुल छिब्बर की वाइफ हूँ। आज हम आपके लिए लाए हैं ये शेफ कटर की बहुत सारे मॉडल्स, आप देख रहे हैं, और सभी मॉडल्स अभी मेरे हस्बैंड आपको बता चुके हैं सबके क्या क्या फंक्शन है। इस मॉडल के लिए स्पेशली मैं ये बोलना चाहूँगी कि इसमें ये आपको अलग दिख रहा होगा, बाकी मॉडल्स में ये वाली ऑप्शन नहीं है, इसमें ये डिफरेंट है। और ये इसमें चारा तो कटेगा ही, कुट्टी तो आप बना ही सकते हैं यहाँ से, वो सेम जैसे बाकी मॉडल्स में है वैसे ही है। लेकिन इसमें स्पेशली जो ये वाला फीचर है, इसमें हम दलिया भी बना सकते हैं और दाना पीस सकते हैं। अच्छा, तो ये जो है अपना काफी ज्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट भी है, शानदार, मतलब दलिया भी बना सकते हैं और भी जो दालें वगैरह हैं जो हम पशुओं को खिलाते हैं वो इसकी सहायता से हम जो है पीस के उनको खिला सकते हैं। अच्छा सर, ये चाप कटर के बारे में मैम ने भी काफी बढ़िया बताया, अब इनकी थोड़ी सी कीमत के बारे में बात कर लेते हैं, तो कीमत की और थोड़ा सा हमें जानकारी। आइए मैं आपको एक एक करके इन सभी की कीमत और इनके लिए क्या एडवांस है वो मैं आपको सारा प्रावधान बता देता हूँ। जी, जो भी ये हमारी शेफ कटर सीरीज है, अगर आप डायरेक्टली हमारी कंपनी विजिट करना चाहते हैं तो पंजाब में बठिंडा अगला स्टेशन है कोटकपुरा, आप हमारी कंपनी विजिट कर सकते हैं। घर बैठे मंगवाने के लिए आपको जो मॉडल है, मैं एक एक करके सभी मॉडल का रेट और उसका एडवांस बताने जा रहा हूँ। ये जो हमारा मिनी शेफ कटर है 3 HP मोटर के साथ, इसकी कीमत है 28,000 रुपया। इसके लिए आपको 5,000 रुपया एडवांस कंपनी के करंट अकाउंट में डिपॉजिट करना है जी। वहीं अगर आपको मिनी शेफ कटर विद 7 HP पेट्रोल इंजन में लेना है तो इसकी कीमत है 32,000 रुपया। इसके लिए भी आपको 5,000 रुपया एडवांस कंपनी के करंट अकाउंट में देना है। वहीं अगर आप हमारा जो जंबो शेफ कटर है जो कि 3 HP मोटर के साथ है, इसकी कीमत भी 32,000 रुपया है। इसके लिए भी आपको 5,000 रुपया एडवांस देना है। बिल्कुल बढ़िया। वहीं अगर आप मेगा शेफ कटर लेना चाहते हैं जी, जो कि शेफ कटर कम साइलेज का काम करेगा जी, इसकी कीमत है 40,000 रुपया। इसके लिए आपको 10,000 रुपया एडवांस देना पड़ेगा। प्राइस तो सर आपने काफी ज्यादा अच्छा अफोर्डेबल रखा हुआ है, काफी बढ़िया रेट है। इसमें रेट को जो कंसेशन के लिए लेके बात आती है वो सारी आपने रेट इतना बढ़िया लिया कि हमें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। इसके बारे में बताएं सर, अभी तो हमने इसमें नहीं कराया लेकिन हमारी ऑन डिमांड रहेगी कि इस प्रोडक्ट में हम कुछ ना कुछ आपसे जरूर डिमांड करेंगे। अब बिल्कुल तो, जी, अब ये जो मॉडल हमने तैयार किया है जी, हमारी कंपनी ने ये मॉडल इस हिसाब से तैयार किया है कि एक ही मशीन से आप अपने काम अनेकों काम कर सकते हैं जी जी। कुट्टी भी कर लेंगे, हर किस्म का गीला सूखा चारा तो काटेंगे, जानवरों के लिए दलिया और दाना भी बना लेंगे। आपने डेमो भी मैं जैसा दिखाया बहुत बढ़िया जो है दाल तो ये जो मॉडल है दोस्तों, इसकी कीमत है 45,000 रुपया जी। इसके लिए आपको 10,000 रुपया एडवांस। तो मैम सर ने तो इसका रेट बताया 45,000 रुपए। हम सर से तो डिमांड नहीं कर पाए बट आपसे डिमांड करते हैं कि इस रेट के अलावा हमें और कुछ इसमें ऑफर चाहिए, आप हमारे लिए स्पेशल क्या देंगे। बिल्कुल सर, आप इतनी दूर से चल के आए, MP से आप यहाँ कोटकपुरा में आए, इसलिए हम आपके लिए ये स्पेशल ये ऑफर दे रहे हैं हम अपने व्यूवर्स को। अगर कोई आपके चैनल का स्क्रीनशॉट हमें साथ में भेजता है, हम उसको ये 3 जाली सेट साथ में फ्री भेजेंगे। बहुत बढ़िया। तो मैम आपने हमारी जो है बात रखी। दोस्तों ये जो 3 जालियां हैं आपको इस 45,000 रुपए की मशीन के साथ में फ्री मिलने अच्छा, वाली आप है। अपने कॉन्टेक्ट नंबर बताएं क्योंकि लोगों के साथ फ्रॉड हो जाते हैं, तो जो नंबर आप बताएंगे वो ओरल भी रहेंगे साथ में एक प्रूफ भी रहेगा, तो आप अपने नंबर बताइए और साथ में चीपर इक्विपमेंट का जो है एड्रेस बताइए। दोस्तों अगर आप डायरेक्टली हमारी कंपनी आना चाहते हैं तो पंजाब में बठिंडा से अगला स्टेशन है कोटकपुरा, वहाँ पे हमारी कंपनी है छिपर एग्री इक्विपमेंट्स के नाम पे। आप बाय कार, बाय बस या बाय ट्रेन आ सकते हैं। घर बैठे मंगवाने के लिए स्क्रीन पे आपको हमारे नंबर दिखाई दे रहे हैं। मेरे छोटे भाई साहब हैं पादल जी, जिनका मोबाइल नंबर है 9855219706, और मेरा नाम है राहुल, मेरा मोबाइल नंबर है 9814231007। मैं हिंदी में बोलता हूँ 9855219706 और 9841431007। तो दोस्तों ये थी चिब्बर एग्री इक्विपमेंट्स द्वारा निर्मित सारे चाप कटर की वीडियो। आशा करते हैं वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान।